अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आइए नाजर अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि मेहंदीपट्टनम प्लेन नंबर 40 के पास से है, जहां पर एक मुस्लिम खातून जो कि मेहनत और मशक्कत करते हुए अपना खुद का गुजारा कर रही है। तो बहरहाल आज से 10 साल पहले जो है इनका डाइवर्स हो चुका था, उसके बाद से जो है ये खुद की जिंदगी खुद जी रही है मेहनत करते हुए। मेहंदीपट्टनम प्लेन नंबर 40 के पास जो है ये चाय बेच रही है। तो बहरहाल जिस किसी का भी वहाँ से गुजरना हो या गुजारा होता हो तो ज़रूर वहाँ पर रुक कर जो है ये खातून की चाय पीजिए और हो सके तो इनकी कुछ मदद भी कीजिए, क्योंकि इस तरह से मेहनत मशक्कत से जी रही है बड़ी फख्र की बात है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं खातून किस तरह से चाय बेच रही है। मेरा नाम आसिया है, मैं यहाँ आसिफ नगर की रहने वाली हूँ। मैं मेरे हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिए, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे सब बहना भाई सब रहने के बावजूद भी मेरी कोई मदद नहीं करे। अब मेरे बच्चों को पालने के लिए मैं क्या करूं? मेरे कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आई, इसलिए मैं चाय बेच रही हूँ मेहंदीपट्टनम पिलर नंबर 40 के पर। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं कहीं भी जाके काम नहीं कर सकती, इसलिए अब तक मेरे को घर चलाने के लिए मैं क्या करूँ? मेरे को ये बेचने के सिवा मेरे कोई रास्ता नजर नहीं आया। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इधर से एक बार गए तो मेरी चाय पी के देखे देते। मेरे को 2010 साल हो रहा, 10 साल। आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरे को 3 बच्चे हैं और जैसे मैं एक बेटी की शादी हो गई, अब 2 बच्चे हैं। अब मेरे घर और मैं दवाइयों को पैसे नहीं, मेरे को पहले मैं पेशेंट भी हूँ न्यूरोलॉजी की। मैं काम करने की खातिर नहीं, मैं न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट हूँ। मैं ये पैरा हाथा में मेरे जान नहीं है, मेरे को महीने को 3000 के गोलियां खाना पड़ता जिंदा रहने से। मेरे बहना भाई बहुत पैसे है लेकिन मेरी कोई हेल्प नहीं करे। आखिरी में मैं क्या करूँ? बहुत मजबूर होते चाय बेचने बैठी थे तो बेटे में। मैं देखो घर का काम करके कभी 7 बजे से रात में 12 बजे तक बैठती हूँ। मेरा बच्चा जैसे मैं ओला उबेर की गाड़ी चलाता उसे पैसे बस नहीं होते मेरे को, इसीलिए मैं ये काम कर रही। एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ता, बेटी की शादी हो गई मेरी ऐसी करके। मेरे बहना भाई कोई मेरी हेल्प नहीं करे भाई। आप सब मेरे से गुजारिश करिए, आपकी माँ के सर की समझ रही हूँ, आप मेरे बेटे आप बहन समझो बेटे समझो। एक बार इधर से गए तो मेरी चाय पी के जाइए बेटे, अल्लाह आपको अच्छा रखेगा। आप कितने साल से बेच रहे हैं? मैं 4 महीने से। 4 महीने से यही है? 4 महीने से यही बेच रही। कारोबार चल रहा है क्या? नहीं बेटे इतना नहीं चलता, उतना ज्यादा नहीं चलता, थोड़ा बहुत 100-200 मिल जाते, 200-300 उतनी देर बैठे तो ऐसा मिलते मिलते। बारिश में कैसा बैठे? बारिश में काम करना बेटे, बारिश तो नहीं आती 2 दिन है तो पैसे फिर कैसा करना कैसा खाना। अब बारिश भी आए तो किधर भी थोड़ी देर उधर भागना, कभी इधर जा रहा इधर वो किधरों को नहीं जाना ना, तो इधर आना जाना है तो बेटे कहीं भी जगह नहीं है। अगर मैं किधर भी जाके बैठे तो पुलिस वाले हकार देते, मेरी इतनी उम्र नहीं है बेटे मैं इधर उधर फिरने के लिए। अरे नहीं आज भी कैन भी चाय नहीं बिकती बेटे मेरी, आज भी कैन भी चाय नहीं बिकती मेरी। अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।